यार, इज असिस्टिंग जरूरी? क्या असिस्टिंग जरूरी है एक फिल्म मेकर बनने के लिए, एक डायरेक्टर बनने के लिए? यार देखो, द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इस सवाल के लिए है नहीं, असिस्टिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। द लॉन्ग आंसर इज अ डेफिनेट यस। मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा हूँ, नहीं, एंड आई एम गोना एक्सप्लेन वाई। मासूम, वन ऑफ इंडियाज़ फाइनेस्ट फिल्म्स, एंड इट वॉज मेड बाय दिस अमेजिंग डायरेक्टर कॉल्ड शेखर कपूर। शेखर कपूर ने मासूम जब बनाई थी, उन्होंने उससे पहले किसी फिल्म में असिस्ट नहीं किया था। उन्हें लेंजेस के बारे में, कैमरास के बारे में, रील के बारे में, नेगेटिव के बारे में, पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ही हैड नो क्लू। बट उनको एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, और वो थी उनकी कहानी। ये कैसी कहानी थी जो वो अपने दोस्तों को सुनाते थे, एंड जब भी सुनाते थे ऑल देयर फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहानी सुनते थे, एंड ही वॉज कन्विंस्ड कि ये कहानी मुझे सुनानी आती है, और जब मैं एक सेट पे उतरूँगा तो ये मैं संभाल लूँगा, इस कहानी को कैसे बताना है वो मैं बता दूँगा। लिटरली मतलब अपने डीपी के साथ, यू नो, बिना किसी टेक्निकल नो हाउ के ही वो जस्ट से कि यार इतना फ्रेम लगा दे, इसमें ये इमोशन कैप्चर हो जाएगा, यहाँ हम घर दिखा रहे हैं तो वाइट शॉट कुछ एक वाइट सा कुछ लगा दे ताकि यू नो जगह दिख जाएगी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड बी एबल टू टेल दिस स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द अदर टेक्नीशियंस अराउंड हिम। एट द एंड ऑफ द डे बाकी टेक्नीशियंस भी बड़े फुल पावर होते हैं किसी भी सेट पे, यू नो, इट्स नॉट जस्ट द डायरेक्टर। सो विद द हेल्प ऑफ योर फेलो पीपल, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको एक कहानी सुनानी आती है, आप बेशक जाके उसे सुना सकते हैं। Therefore, the short answer is 100% no. आपको असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं। This is something I tell any young AD or any young aspiring filmmaker who comes and talks to me about it. मैं तो बोलता हूँ तू रेडी है, तू भाई घुस जा, कोई स्ट्रेस मत ले, यू नो। बट वही वाली बात है, टू नो दैट यू आर रेडी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू आर नॉट। कई फिल्म मेकर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जो सेल्फ टॉट है, who've not gone into assisting, some have not even gone to film school, you know, big people like Nolan, Spielberg, Tarantino, Kubrick, you know, all of these are self-taught filmmakers. To matlab, what does all of this really signify? What does it say? It genuinely says ki agar aap ready hai na, to aap literally kood sakte hain maidan mein aur aap apni film bana sakte hain, aur in the process aur bana bana ke aap सीख सकते हैं। वी ऑल्सो हैव टू नॉट डिस्काउंट द फैक्ट दैट हम सब ना, वी आर नॉट बॉर्न इक्वल। हम सब के एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे हैं, यू नो। तो अगर एक इंसान जो काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, उसे ये लगता है कि यार मैं इस वक्त रेडी नहीं हूँ, इज एब्सोल्युटली फाइन, इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इन दैट केस इज असिस्टिंग नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट? हेल या, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग टू असिस्ट। जब आप एक अच्छी डायरेक्टर या DOP के प्रेजेंस में होते हो, जब आप उनके आसपास होते हो, आपको बड़े सारे इंट्रिकेट डायरेक्टोरियल नुआंसेस के बारे में पता चलता है, यू नो, जो एक अच्छी लर्निंग हमेशा होती है। फ्रेम्स क्यों और कैसे डिसाइड होते हैं, लेंजेस कौन से लेंजेस से क्या लुक आता है, कितने टाइप के ग्रिप्स होती हैं, किस किस टाइप के इक्विपमेंट से क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं टू टेल अ स्पेसिफिक स्टोरी इन अ स्पेसिफिक शॉट। अगर आप ठीक से इंटरेस्ट लें तो आर्ट डायरेक्टर के काम से एक स्टाइलिस्ट के काम को देख के एक सेंस ऑफ एस्थेटिक आपका डेवलप होता है, विच रियली रियली कम्स इन हैंडी व्हेन यू डोंट इवन एक्सपेक्ट इट। बड़ा सबलिमिनल लर्निंग होती हैं ये सब चीज़ें, बट इट्स ओनली व्हेन यू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। मतलब जब आप, यू नो, आप एक सेट पे सिर्फ अपना काम करने नहीं आए हैं, चीज़ें समझने भी आए हैं, तब आपकी असली ग्रोथ होती है, यू नो, जब आप असिस्ट कर रहे हो। आप बहुत सारे ADs को ऐसे भी मिलेंगे जो बस लिटरली अपने आप को डिग्निफाइड स्वीपर्स बोलते हैं, बिकॉज वो अपने काम को लेके ही बैठ जाते हैं और इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं कि वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट लोगों के आसपास हैं और सबसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ है, और वो आँख और कान खुले रखना बहुत ज़रूरी है when you are in a dynamic environment like that. कई filmmakers को सिर्फ कहानी नहीं सुनानी होती, कई filmmakers बड़े pictures और visually driven होते हैं, so
उनको भी उनको बहुत ज़रूरत होती है टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम पीपल हु आर लाइक दैट सो दे गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू एग्जीक्यूट बिग फ्रेम्स ऑन सेट्स यू नो व्हाट आई एम सेइंग लाइक अ संजय लीला भंसाली इज दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर ही इज समबडी हु वर्क्स विद लार्ज एंड देन लाइफ इमेजेस विद बिगर सेटअप्स एंड यू नो more with more grandeur in general, right? So when a filmmaker aspires to be somebody like him, one should ideally go and assist somebody like that. He doesn't have to go and assist Bhansali, but he can go and assist, a production designer, who works in that kind of department. He can go and work with anybody who he feels he can gain that kind of knowledge from. बहुत लोग आप देखेंगे इंडस्ट्री में जो थोड़े स्मार्टली ऑपरेट करते हैं वो कुछ एस्पायरिंग डायरेक्टर्स अच्छे डीओपीज़ को भी जाके असिस्ट करते हैं टू गेट एन आइडिया ऑफ लेंसिंग एंड यू नो शूटिंग फ्रेम्स यू नो आई एम नॉट सेइंग द डायरेक्टर्स डोंट डू दैट बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी समटाइम्स दे लाइक टू जस्ट सी दैट प्रोसेस एंड दे फील दैट दे गेन अ लॉट मोर बाई डूइंग दैट यू नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ aspiring makers who actually go and assist in the art department because they really are interested to know the intricacies ki bhai ek art heavy film agar banegi to unme kya kya cheeze jaati hain aur so on and so forth to it's really dependent on ki aapko kya karna hai kya seekhna hai aur kya अपने फिल्म मेकिंग कैनवस में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देके उसको आगे बढ़ाना है हालांकि यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा यू शुड नो व्हेन टू गेट आउट असिस्ट करने की ना कोई सीमा नहीं होती है यू विल नॉट इवन नो इट और आप सडनली यू विल फाइंड योर सेल्फ यू नो 5-6 ईयर्स डाउन द लाइन और आप 7-8 फिल्मों में असिस्ट कर चुके हैं एंड बस वो चले जा रहा है बिकॉज आप अपने आप को ये नहीं कॉन्फिडेंस दे पा रहे हो कि यार अगर मुझे कल को फिल्म की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं देखो यहाँ ना छटाई होनी शुरू हो जाती है द मैन फ्रॉम द बॉयज़ यू नो आर काइंड ऑफ फिल्टर्ड इन दिस प्रोसेस मैं यहाँ किसी को भी डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ ये क्योंकि मौके की भी बात होती है अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है समटाइम्स आप एक फर्स्ट असिस्टेंट या एक आपने उसका एक स्पेशलाइजेशन भी बनाया होता है जिससे आपका घर चल रहा है एट दैट पॉइंट आपको बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है और दैट इज़ ऑल्सो एडिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड यू फील कि एक पॉइंट के बाद आप जाके रेडी होंगे तो वो सब सही है एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट दैट राइट व्हेन डू यू फील रेडी व्हेन डू यू फील कि भाई मैं ये कर सकता हूँ माई एसेंशियल एडवाइस एंड टिप टू यू इज़ दैट जब आपको कहीं ना कहीं ये लगने लग जाए ना कि मैंने यार मतलब मैंने समझ तो लिया है काम कैसे होता है और यहाँ पे जब आप पे एक अपॉर्चुनिटी आती है ना तो थोड़ा ब्रेव हार्ट थोड़ा शेर दिल होने की ज़रूरत होती है वो जंप लेने के लिए क्योंकि अगर आपने वो सही टाइम पे जंप नहीं लिया तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और साल निकल जाए And every year is an experience and all that is fantastic. But my tip would be definitely to you would be ki bhai, know when to get out, know when to take that dive. Kyunki jab tak maidan mein kudoge nahi, tab tak you will never know, right? So, koi aadmi waise bhi pagal nahi hai jo aap pe paise lagayega. वो भी आप में कुछ देख रहा है आपके तजुर्बे को देख रहा है आपके अंदर कोई चीज़ देख रहा है जिस पे वो आप पे वो पैसे लगाएगा बनाने के लिए तो जब ये सारी चीज़ें आसपास आती हैं तो डेफिनेटली मौका पे चौका मारना ज़रूरी हो जाता है एंड माय एडवाइस टू यू विल बी टू डू इट विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ यू नो videos and things jahan pe we will discuss in intricate details about a lot of things that we've spoken about you know be it various kinds of cameras lenses formats and all the things in due time so yeah man I hope this answers your question काफी डिटेल में हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि आप कॉन्फिडेंट हैं एक कहानी को लेके तो बेशक उस कहानी को कहिए अगर आपको लगता है कुछ टाइम लगेगा अपने आप को मांझने के लिए तो वो टाइम लीजिए जब आपको फील हो कि आप रेडी हैं तो मेक द मूव जंप इन एंड मेक योर ड्रीम फिल्म ऑन दैट नोट प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इट डज़ वंडर्स फॉर अस एंड गिव्स अस द कॉन्फिडेंस टू मेक मोर वीडियोज. एंड आई विल क्लोज बाय सेइंग व्हाट आई ऑलवेज टेल यू, यू विल मेक इट इफ यू मेक इट हैपन.